सुन रही थी और उनकी ओर से जो बॉडी लैंग्वेज सामने आई है वो ये है कि एक तरह से हमने बहुत बड़ा चैलेंज गुजरात में दे दिया नरेंद्र मोदी को, जबकि सच्चाई ये नहीं है। आपको बता दूं कि मैं गुजरात में तकरीबन 10 से 11 दिन तक रही थी और वहां पर जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, जितने भी मुद्दे राहुल गांधी की ओर से उठाए जा रहे थे, देखिए नोटबंदी और जीएसटी से लोग परेशान थे, सिर्फ गुजरात ही क्यों पूरा देश परेशान था, लेकिन लोगों को एक भरोसा इन आर्थिक सुधारों को लेकर नरेंद्र मोदी पर है। इस बात को हमें स्वीकारना होगा क्योंकि नोटबंदी के बाद हमने देखा था उत्तर प्रदेश उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और उसको इतनी आसानी से आप मत लीजिए। नोटबंदी जिससे लोगों को नुकसान हुआ, नोटबंदी की वजह से देश को लाइन में लगना पड़ा, नोटबंदी के कारण लोग कितने ज्यादा परेशान हुए, कई लोगों की मौत हो जाती है, उसके बावजूद भी अगर नोटबंदी को लेकर एक भरोसा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर है तो इस बात को मानिए कि उनके आर्थिक सुधारों पर यह देश भरोसा कर रहा है। दूसरी चीज जीएसटी को देखिए, गुजरात में बहुत पैसा है, गुजरात में पैसा है, वहां पर व्यापार बहुत बड़ा है। अगर उन इलाकों में जहां पर जीएसटी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वहां पर अगर बीजेपी शानदार तरीके से जीतती है तो वास्तव में जीएसटी पर मोहर भी इसको कही जाएगी। लोग परेशान थे, व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन बाद में जीएसटी में जिस तरह के चेंजेस किए गए उसने भी कहीं ना कहीं जो व्यापारी थी उनको राहत पहुंचाई है। दूसरी चीजें राहुल गांधी सामने आकर और उनकी बॉडी लैंग्वेज, कांग्रेस पार्टी या तमाम दूसरे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये बता रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी के इस हार में भी जीत है क्योंकि 80 सीटें लेकर आई है कांग्रेस पार्टी। अपने आप में ये बेहद हास्यास्पद है। 1985 में 149 सीटें गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, उसके 5 साल पहले जाइए 1980 में 141 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। 1985 के ठीक 5 साल के बाद स्थिति बदल जाती है, वहां पर हंग असेंबली आती है और 33 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हैं। 33 सीटों के बाद यानी कि 1990 के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रही, हालांकि बीच में उसने कुछ जुगाड़ करके 1995 के पहले अपनी सरकार बनाने की कोशिश जरूर की जिसमें वो सफल रही, लेकिन 1995 के बाद गुजरात की जनता ने उस समय कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल खारिज कर दिया। नरेंद्र मोदी 1995 में तो नहीं थे, नरेंद्र मोदी तो 2001 और उसके बाद आए हैं। कांग्रेस पार्टी को यह सोचना होगा कि बार बार गुजरात उसको खारिज क्यों कर रहा है। अभी आकर तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश राहुल गांधी की ओर से एक बार फिर से की गई है और उनकी ओर से यही कहा गया कि गुजरात में जीएसटी ये वो अमित शाह अमित दुनिया भर की बातें उनकी ओर से गिनाई गई हैं, लेकिन राहुल गांधी ने क्या ये सोचा है कि जब से उनका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी को मिला है उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी के हारने की वजह क्या है। राहुल गांधी से आप सिंपैथी सहानुभूति जता सकते हैं, राहुल गांधी से आप ये कह सकते हैं कि ठीक है परिवारवाद की उपज वो हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेसियों की मजबूरी भी तो गांधी परिवार है क्योंकि उनके अलावा वो किसी और के आगे सजदा होने को तैयार नहीं होते हैं। और ये बात बिल्कुल भी सच है क्योंकि गांधी परिवार के अलावा जो कांग्रेसी नेता है वो किसी को भी अपना नेता स्वीकार करने के मूड में नजर नहीं आते हैं। कितने भी बड़े लोगों से आप बातचीत कीजिए और कितने भी तेजतर्रार नेताओं को खड़ा कर दिया जाए, लेकिन गांधी परिवार के आगे ही ये लोग सिर झुकाएंगे। राहुल गांधी 2013 में मुझे याद है जयपुर अधिवेशन के बाद जब उनको उपाध्यक्ष बनाया गया, उस समय से लेकर आज तक तकरीबन, अगर इन दो चुनावों को हम छोड़ दें, तकरीबन 24 चुनाव वो हार चुके हैं, 24 चुनाव वो हार चुके हैं, 7 चुनावों में उनको जीत मिली है। पंजाब में जीत का श्रेय राहुल गांधी को इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वहां पर अच्छा काम किया, लगातार वो एग्रेसिव बने रहे और कोई भी चुनाव 3 या 4 महीने में जीते नहीं जाते हैं। जैसा कि अब से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि 4 महीने पहले जब मैं गया था तो उस समय लोगों ने कहा कि हम गुजरात नहीं जीत सकते, लेकिन देखिये 4 महीने के बाद हाल क्या है। हार और जीत ही मायने रखती है लोकतंत्र में, वो हार चाहे एक सीट से हो चाहे बड़ी सीट से हो। इसके पीछे बड़ी वजह यह है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट की वजह से गिर गई थी। एक वोट कितना ज्यादा कीमती होता है इसका अंदाजा आप सिर्फ इसी से लगा सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेतृत्व और उनकी सरकार, उनके साथ तो बहुत सारे प्लस पॉइंट जुड़े हुए थे जो नरेंद्र मोदी के साथ शायद आज नहीं है। राहुल गांधी ने झूठा आरोप लगा दिया है कि नरेंद्र मोदी बहुत झूठ बोलते हैं, विश्वसनीयता का संकट है या दुनिया भर की तमाम बातें, कम से कम अटल जी के साथ ये बातें तो नहीं थी। उसके बावजूद वो एक वोट से हार जाते हैं, यानी कि इस लोकतंत्र में एक वोट का कितना ज्यादा महत्व है इस बात को आप आसानी से समझ सकते हैं। और दूसरी चीज ये 19 सीटें ज्यादा हासिल की हैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में, और इसको कांग्रेस पार्टी अपनी जीत के रूप में कैसे ले सकती है। इन लोगों ने इतना एग्रेसिव कैंपेन किया है, 22 सालों से वहां पर गुजरात में बीजेपी का शासन है, सत्ता विरोधी एक लहर भी होती है, लोगों में नाराजगी भी थी। मैं जिन जिन इलाकों में गई थी आपको बताऊं कि वहां के लोग
सरकार से नाराज थे, ये बात बिल्कुल सच है। वो लोग नरेंद्र मोदी को लेकर भी उनके मन में था कि नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री ने अच्छी नहीं की हैं। दोनों हाथ में वो लड्डू की बात तो करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो वहीं एक बड़ा तबका ऐसा भी है गुजरात में जो इस बात को स्वीकार करता है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद प्रदेश में विकास हुआ है। विकास को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। गुजरात के लोग अगर देश के दूसरे हिस्सों में क्यों, अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और यहां के आसपास के इलाकों में आप आ जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि गुजरात का विकास इन हिस्सों के से तुलना करेंगे तो वहां का कितना हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा की बात राहुल गांधी की ओर से उठाई गई थी। इस सवाल को लेकर जब मैं लोगों के पास पहुंची थी तो आपको बता दें महिलाओं ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा था कि हम सुरक्षित हैं। अगर राहुल गांधी ने वहां पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है तो उसके तीन बड़े कारण मैं आपको गिनाती हूं। पहले 22 सालों का शासन जिसको चैलेंज करना चाहती थी जनता। नरेंद्र मोदी से आज भी गुजरात की जनता प्यार करती है, इस बात को आप खारिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी इस सरकार को ताकि ये तानाशाह ना हो जाएं, क्योंकि लगातार इनको हर चुनावों में जीत मिल रही है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। कुछ तो होगा इन लोगों में कि गुजरात की जनता बार बार इनको चुनती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राहुल गांधी नहीं बल्कि जिग्नेश, अल्पेश और हार्दिक पटेल ने एक माहौल तो वहां पर बनाया ही था। देखिए कितना फायदा हुआ कितना फायदा नहीं हुआ इन तीन लड़कों की वजह से, ये बात की बात है, लेकिन इन लोगों ने जो माहौल बनाया था सरकार के खिलाफ उसका फायदा उठाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रही है। यानी कि राहुल गांधी के बलबूते बहुत सारी चीजें वहां पर नहीं मिली हैं, उन तीन लड़कों ने एक जमीन तैयार की और विकल्प के रूप में कांग्रेस वहां पर खड़ी हो गई। उसके बाद उसका फायदा सीधे सीधे कांग्रेस को 80 सीटों के रूप में मिल गया। तीसरी बड़ी बात मैं आपको कहती हूं, राहुल गांधी पिछले चार महीनों में ही सही कम से कम सोशल मीडिया पर वो एक्टिव दिख रहे हैं। सेल्फी को लेकर लगातार वो तंज कसते हैं कि देखिए सेल्फी अगर आप क्लिक करते हो तो चीन में रोजगार मिलता है। लेकिन सेल्फी किस तरह की जरूरत बन गई है इस वक्त, इस बात को आसानी से आप समझ सकते हैं। सबके हाथ में स्मार्टफोन है, मोबाइल है और किसी भी बड़े चेहरे को अगर हम भी अपने आसपास देखते हैं तो हम चाहते हैं कि एक फोटो उनके साथ हमारी हो जाए, और उस फोटो को हम कितना संजो के रखते हैं इस बात को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ज्यादा है। सेल्फी को आप नकारेंगे, टेक्नोलॉजी को आप नकारेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। राहुल गांधी को देर से ही सही कम से कम ये बात समझ में तो आई, और उनकी जो भी सोशल मीडिया की टीम है उसने बेहतरीन तरीके से अच्छा कैंपेन किया उनके ट्विटर पर, क्योंकि हर रोज जब वो ट्विटर पर अपनी बातें रखते थे तो वो चैनलों की हेडलाइंस बनती थी, वो लोगों तक पहुंचती थी। यानी कि सुबह सुबह ट्विटर 9-10 बजे के करीब हो जाता था, ट्वीट पर मैसेज आ जाते थे और दिन भर उस पर चर्चा होती थी, तो इसका भी फायदा राहुल गांधी को हुआ है। दूसरी चीजें, सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो क्यों भूल जाना चाहते हैं कि जो हिंदू हैं वो बीजेपी को ही मानकर एक तरह से बैठे हुए हैं। ये गुजरात की बात है क्योंकि गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला के रूप में भी बीजेपी ने एक तरह से उसको डेवलप किया है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मैं गई थी, वहां पर जो हिंदू वोटर है वो ये मानता है कि कांग्रेस के शासन में यहां पर सुरक्षा को लेकर एक भयावह वातावरण था, यानी कि लोगों की सुरक्षा उस तरह की नहीं थी जैसा कि सुनिश्चित करने का काम नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। वहां पर दंगे नहीं हुए। सबसे बड़ी बात यह है, नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बने 2002 में, गोधरा और गुजरात में क्या हुआ उसको बार बार, चूंकि वो एक ऐसा नासूर है, एक ऐसा जख्म है जिसको कुरेदने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके बाद कम से कम गुजरात में शांति बनी रही। वहां पर हिंदुओं का जितना विकास हो रहा है उतना ही मुसलमानों का भी हो रहा है। भेदभाव के आरोप वहां के मुसलमान नहीं लगा सकते हैं। और इन सारी बातों को जब कांग्रेस पार्टी इस तरह से जाकर उठाती है और कहती है 3 महीने 4 महीने पहले हम गए और उसके बाद हमने माहौल बना दिया, कोई चुनाव 4 महीने